अगले टॉक में हम आपको लेकर चलते हैं सीरियल अहिल्याबाई के सेट पर, जहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर में शिवलिंग की स्थापना की बात चल रही है। हमारी मालवा के हर एक नागरिक इस कार्य के लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार मल्हार अहिल्याबाई को मोतियों की माला देते हैं, क्योंकि अहिल्याबाई के पास मंदिर के निर्माण के लिए पैसे नहीं होते। वहीं दूसरी तरफ नवाब के पास आसिफ का सैनिक खबर लेकर आता है कि मालवा की रानी अहिल्याबाई फिर से काशी मंदिर को बनवाने जा रही हैं। लेकिन आसिफ कहता है कि वहाँ की सारी जमीन तो हमारी है और सब हमारे कब्जे में है। जी हुजूर, हुजूर मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर काशी विश्वेश्वर मंदिर फिर से बनवाने का फैसला किया। जो उस इलाके के आसपास जमीन है ही कहाँ? सारी जमीन तो हमारे पास है। वहीं दूसरी तरफ अहिल्याबाई तुकोजी भाई को काशी भेजने की तैयारी में हैं और कहती हैं कि बल्ला को बोलिएगा कि आपने हमें जमीन देकर बहुत बड़ा उपकार किया है, उस जमीन के बदले जो भी कीमत होगी उन्हें दिया जाएगा। अहिल्याबाई कहती हैं कि आप आगे चलिए, मुझे कुछ जरूरी काम है, उसे निपटा कर मैं भी आती हूँ। शो के दूसरे सीन की बात करें तो मल्हार पेशवा के संदेशे को लेकर काफी परेशान हैं। मल्हार जानते हैं कि पेशवा से मिलना मतलब युद्ध। वो समय आ गया है कि हमें अपने जीवन में नई चुनौतियों का सामना करना होगा, तो जहन फैसले लेने होंगे। मल्हार सबके साथ शिव मंदिर पहुंचते हैं और वहां पर अपने हाथों से दो बेलपत्र चढ़ाते हैं, लेकिन तभी दाहिनी तरफ का बेलपत्र गिर जाता है। गौतमा सोच में होती है कि आखिर ये मल्हार कर क्या रहे हैं। मल्हार गिरे हुए बेलपत्र को उठाते हैं और बोलते हैं कि अब हमें युद्ध के लिए जाना होगा, ये फैसला मेरा नहीं बल्कि शिव शंभू का है। अगर बेलपत्र दाहिनी तरफ के बजाय बाईं तरफ का गिरता तो मैं संन्यास ले लेता, लेकिन ये इशारा युद्ध का है। शिव शंभू ने कॉल दे दिया, हम फिर से तलवार उठाएंगे। शो के तीसरे सीन की बात की जाए तो गौतमा बहुत टेंशन में है और इसके पीछे का रीजन है माले राव, जो कि एक डांसर लेकर आए हैं। गौतमा अहिल्याबाई से कहती है कि इससे छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय निकालना होगा, लेकिन अहिल्याबाई बहुत ही शांति से कहती हैं कि जब टाइम आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इस शो के अलग अलग सीन्स में चल रहे हैं अलग अलग ट्विस्ट। अब देखते हैं कि आने वाले एपिसोड्स में अहिल्याबाई इन सारी मुसीबतों से कैसे लड़ती हैं।